लेग पीस मैंने डाल दिया। ऐसे पकड़ा मुर्गा, ऐसे फेंक दिया, ऐसे पकड़ा, ऐसे। हेलो YouTube फैमिली, तो कैसे आप लोग दोस्तों, आए हो आप लोग? बढ़िया, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आज जो है सूफी की थोड़ी सी कुछ अलग डिमांड आई है। क्या भाई, आज संडे का दिन है, तो यार कुछ चीटे हो जाए। अब चीटे यहाँ तक जो पहुंचा है ना, तो चीट करके ही पहुंचा है। ये चीटी है वैसे, चीटे तो रोजाना ही होता है, क्योंकि वीडियो एक से एक बढ़कर बनाते हैं। खाने पीने की चीज अच्छी होती है तो वहाँ तो चीट है। ये स्केच चल रहा है भाई, एग्जाम थोड़ी सी दुआएं दे देना, या वहाँ पे भी चीट कर रहा है सीरियसली। भाई भाई के लिए थोड़ी सी दुआएं कर देना, ठीक है? और साथ ही साथ यार, हम ट्राई करेंगे आज होममेड चिकन फ्राई बनाने के लिए। जैसे यार, चिकन को मैरिनेट करते हैं अच्छे से, मसाला वसाला डाल के, और जो उसका जो मेन टेक्सचर आएगा उसे कंपेयर करेंगे भाई, जो फेमस है दिल्ली के चिकन फ्राई, उससे। लेकिन एक बार बताऊं, मैं 100% तो भाई उसके तरह नहीं बन सकते, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा बनाते हैं किस तरह। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। वाँ 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 वाँ। तो यार, करते बिना देरी के वीडियो को शुरू। कहीं मत जाना भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें, फिर आपको मैं ले चलता हूँ किचन में। तो दोस्तों भाई, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने किचन में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं भाई साहब, ऑयल वगैरह फुली गर्म की तैयारी में और फ्लेम हाई है। और भाई, जो मैंने अपने चिकन मैरिनेट किए थे वो आप देख सकते हो भाई साहब, मसाले जो है ना फुली लोडेड है। आज क्या क्या बनने वाला है, फिर क्या है इसमें वैसे भाई साहब? आज जो है इसमें मैं ट्राई करूंगा चिकन फ्राई बनाने के लिए, लेकिन ये हमारा होम स्टाइल में, जो घर पे जो हम बाहर मार्केट में खाते हैं वो तो आपको पता ही है उसका टेस्ट कैसा होता है। लेकिन इस पे भी भाई साहब पूरे मसाले छोंक दिए हैं मैंने, सही बात बता रहा हूँ। कलर देख सकते हो, स्पाइसी तो स्पाइसी सारे मसाले डले हुए हैं। तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि ये कैसा बनता नहीं बनता, फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा इस पर मैंने कौन कौन से मसाले डाले हैं और क्या टेस्ट है। मैं सच बात बताऊंगा, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो भाई, तेल बिल्कुल गर्म होने के कगार पे है, फ्लेम हाई है, तो थोड़ा सा टेस्ट करूंगा। तो आप ये देख सकते हो, मैं थोड़ा सा पहले मिला भी दूं। भाई आप देख सकते हो एक एक पीसेस में कितने कितने मसाले लगे हुए हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है। और भाई साहब, बाहर जैसा टेस्ट उससे भी अव्वल, यानी उससे बेस्ट जो टेस्ट है ना वो आने वाला है इसमें सीरियसली। तो आ जाओ, मैं डालते हुए दिखाता हूँ फटाफट। जी हो, चलो उबाल मार रहा है भाई, इसका मतलब ओके रिपोर्ट है बिल्कुल तेल में। ये देखो, लेग पीस मैंने डाल दिया। और ये देखो भाई साहब, जो थाई वाला जो पीस है, ये थाई वाला पीस मैंने यहाँ डाल दिया, और एक पीस यहाँ पे भी डाल दिया मैंने, एक और लेग जो थोड़ा सा लेग का सूरत बिगाड़ चुका है, एक लेग यहाँ डाल देता हूँ मैं, क्योंकि इस पे जो मेन कमाल है ना भाई, मसाले का है। मसाले के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि बाहर जो ना मसाले कुछ अलग ही डालते हैं वो, तो इस पे मसाले कुछ अलग है। अब एक पीस और मैं डाल देता हूँ ऐसे, अब थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, गोल्डन ब्राउन हो जाए थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Moments later. तो फरहान भाई यार, ये चिकन बनेगा कैसे भाई? वो हाजी को टक्कर तो दे पाएगा ना ये? अरे खा के तो देख, मुंह टूट जाएगा तेरा आज। तो आप बने दरियागंज में ब्रांच भी खोल देना एक, और हमारे ब्रांड का नाम क्या होगा? वो FKC, मतलब फरहान फ्राइड चिकन। वाह भाई वाह, तूने क्या ब्रांड नाम दिया यार, बहुत बढ़िया। लेकिन देखते हैं कलर, आप देख सकते हो भाई साहब क्या निकल के आ रहे हैं, और ज्यादा नहीं थोड़ी देर रखेंगे, अब इसको निकालने की तैयारी कर रहा है। तो यार जल्दी जल्दी रेडी करते हैं यार, अब भाई रहा नहीं जा रहा। जो ये फ्राइड की जो वो तड़प है ना, वो अलग ही होती है, और ये खुशबू जो आ रही है ना, मतलब सीरियसली यार अभी कमाल की खुशबू आ रही है। तो अब क्या करते हैं सूफी? तो यार ये सबको बनाते हैं, फिर टेबल में बिल्कुल प्रेजेंटेशन के साथ, प्याज व्याज के साथ, सबके साथ मिलते हैं, मिलते हैं, फिर मैं टेस्ट बताऊंगा कैसा है, टेस्ट क्या है नहीं है। तो ज्यादा नहीं, 5 मिनट। तो दोस्तों फाइनली भाई आ चुके हैं हम अपने टेबल पे, किचन से रेडी होकर। भाई एक बार दिखा दो यार बना के। और अब ये फ्राई देखो यार, जो होममेड है हमारे, ऐसे ही बने हैं, क्योंकि मैंने इस पे कुछ जले जले हुए पीस आ गए हैं, ये साइडों को साइड कर देंगे। लेकिन यार देखने में खोल के दिखाओ यार एक बार, कि अंदर से कितना जूसी है, कितना जूसी है, और गर्मा गर्म है भाई साहब। ये देखो यार, अलग ही मजा आ रहा है, बिल्कुल पूरा क्रिस्प है और जूसी है। और भाई ये लेग पीस का देखो, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये देखो लेग पीस का स्टेटस, ओए होए, ये देखो तो जूसी मजेदार है भाई, मजेदार। अब ये देखो, एक एक लेयर आपको दिख रहा होगा ये।
तो यार आप फाइनली आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसा बना, किस लेवल का बना है। लेकिन भाई साहब बड़े बोल नहीं, जो सच होगा मैं वो बताऊंगा, खाके मैं देख करके बताऊंगा, क्योंकि इस पे भाई साहब लागत आई है अच्छी खासी। क्योंकि अगर यही चीज हम बाहर में लेने के लिए जाते शायद इससे ज्यादा क्वांटिटी आ जाती। नहीं यार ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं भाई, 150 रुपए का क्वार्टर हो गया, 6 पीस चढ़ते उसमें। हाँ ये भी बात है, लेकिन हमने इस पे लागत लगाया। तो फाइनली मैं लास्ट में बताऊंगा, आप वीडियो को थोड़ा सा अभी देखो, बीच में देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा इस पे हमने क्या क्या लागत लगाया, क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन आ जाओ आप टेस्ट करते हैं, सुबह टेस्ट करें स्टार्ट। हाँ भाई टेस्ट, हाँ टेस्ट स्टार्ट करते हैं यार। तो जैसे इसको हमने ओपन किया हुआ, सर्जरी कर दी, इसी को टेस्ट कर लेते पहले। ओए होए भाई साहब, पहले तो बिना नॉर्मल चटनी वटनी प्याज व्याज के कुछ भाई, तभी रियल टेस्ट पता चलेगा। कसम से वो जो जूसी है ना, रेशे जो है ना बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, कसम कसम से यार, मैं झूठ क्यों बोलूं मैं। अभी देखो भाई, ये रेशे अलग करने का भी एक काम होता है, उसे करना पड़ता है, अगर वो नहीं करोगे ना तो फिर इतना बनेगा नहीं ऐसा। भाई साहब जबरदस्त, ओहो मजेदार भाई मजेदार, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि कसम से आप बना बनेगा। एक कसम से मुझे भी लगा क्या कि ना आप ना ऐसा नहीं बना पाओगे। हाँ लेकिन भाई साहब बनाए एक नंबर, टू गुड। कैसे 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 करते हैं, मजेदार बना तो बढ़िया है। लेकिन अब एक एक पीस और दो तीन खोल के देख लेते हैं। एक भाई यार ये बात बताओ यार कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आपने ना कुकिंग चैनल स्टार्ट कर दो। भाई साहब ये जो है ना बंदों के फेवरेट पार्ट है, ये वाले जो थाई के पास वाले जो होते हैं, और इतना गर्म है ना यार, मैं सही बात बताऊँ मैं ज्यादा ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। ओहो गर्म है भाई, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, तेज है, क्योंकि अभी गर्म है ना तो थोड़ा सा ये शक नहीं हो पाया अभी। लेकिन भाई साहब प्याज के साथ, प्याज के साथ, और ये रहा भाई भाई, एक चीज की कमी रह गई क्या, ये ना क्रिस्पी कम है। मैं ये कहूंगा भाई, देखो हर चीज का अच्छा बुरा होता है, लेकिन भाई इसमें एक चीज की ये कमी रही, क्रिस्पी कम है। मैं बता रहा हूँ उसका रीजन क्या, क्योंकि इसमें मैंने मैदा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, इस पे सिर्फ हमारे नॉर्मल जो फ्राई वाले मसाले आते हैं वो डाल के मैंने वो डाला है, फ्राई वाला मसाला, और साथ ही साथ थोड़ा सा बेसन डाला है। इस पे मैंने ना अरारोट डाला है ना मैदा डाला, कुछ नहीं डाला है, क्रिस्प कम है बस। मैं बस यही कम है, लेकिन पता मैं इसका ओरिजिनल टेस्ट लेना चाहता था, क्योंकि दुकानों में भाई वो ऐसा क्रिस्प नहीं मिलता। बहुत से दुकानों में क्रिस्प डालते हैं, लेकिन बहुत से दुकानों में भाई साहब ऐसे ही जो बनाते हैं ना उनका टेस्ट भाई साहब अलग ही लेवल का होता है। लेकिन ये भी उससे कुछ कम नहीं बना है। अब इधर पास में आ जाओ, एक एक लेयर आप देखो यार, कौन कह रहा है ये वेल कुक्ड नहीं है। अब देखो और फ्राई में यार इसका एक राज तो बता दो, ऐसे ये कुक बना कैसे है। भाई इसका राज ये है कि कम से कम आपको मसाले वसाले लगाने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे यार रखना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे दो टाइम, तब इसको थोड़ा सा जाके निखार आएगा। उसके बाद जो टेस्ट आएगा ना अमेजिंग भाई साहब, जिसके दांत भी नहीं है ना जो इंसान के, वो भी आराम से चबा के हजम कर सकता है, सीरियसली इतना सॉफ्ट है। सुबह नहीं सही कहा, थोड़ा सा क्रिस्प कम रहेगा ये। हाँ लेकिन चल सकता है, क्योंकि घर के फ्राई है भाई, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे हम प्रॉपर। ये तो नहीं है कि बस ऐसे पकड़ा मुर्गा ऐसे फेंक दिया, ऐसे पकड़ा ऐसे मुर्गा, ऐसा कारीगर नहीं है, लेकिन है बहुत टू गुड बना है, मतलब हम अपने हिसाब से भाई बहुत अच्छा बनाया है। हम बारी करते हैं भाई, क्या क्या चीज हमने लगाया है इसमें वो बात बता सुबह। चल तू बता पहले, मैं थोड़ा सा एक दो पीस चेक कर लेता हूँ। भाई आया तो 150 चिकन है। ओए होए। और चिकन का रेट चल रहा है भाई, इतना महंगा 250-260 चल रहा है भाई। सुफी एक मिनट में तुझे मैं माफी चाहूंगा, ये वाला जो पार्ट है ना भाई साहब, हर किसी का फेवरेट वाला पार्ट है, तो इसको मैं ट्राई कर रहा। ओहो यार चिकन फ्राई किसका फेवरेट नहीं है, ये बात बता किसका फेवरेट नहीं है चिकन फ्राई। डेली में मुझे तो ऐसा लग रहा है चिकन फ्राई का हब है भाई। मैं तो ज़्यादातर फूड ब्लॉग्स देखता हूँ, मैं दिल्ली में एक से एक फ्राई वाले बैठे हैं भाई, क्योंकि चाहे पुरानी दिल्ली ले लो या कहीं हर जगह देखो वैसा फ्राई मिल जाएगा ऑल टाइम है, कुछ दुकान में कुछ हो ना हो, लेकिन ये फ्राई में ना जरूरी जरूरी है। तो भाई कहाँ थे यार, एक बार ज़्यादा लागत भी नहीं आई है यार, ज़्यादा लागत नहीं आई है कि बस एक मसाला तो घर का ही है, और एक दही है बाहर से बस, जो हाथ जो मेन है कला वो इस हाथ में, ये हाथ है बापू इस हाथ में कला है। फाइनली भाई मजा आया हमें तो बहुत, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डालना है। तो नॉर्मल आपको जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो डालनी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज वगैरह तो कुछ डालना नहीं है, और दही दही डालना है जो घर में अपना जो नॉर्मल गरम मसाला टाइप का वो डालना है, बना करके वो डाल देना है, और ज्यादा मार्केट से चाहो तो एक अपना चिकन फ्राई का कोई सा मसाला कंपनी का मसाला देके भाई उसे मैरिनेट करके, लेकिन 5 से 6 घंटे रखना ही रखना मस्ट है भाई।
बस जो सूफी ने कहा कम से कम यार 4 घंटे तो कम से कम चाहिए अच्छा पीस लेने के लिए, अच्छी बोटी लेने के लिए, जैसे जो इस तरह से आसानी से टूट जाए, क्योंकि यार चिकन फ्राई का ये मतलब नहीं है कि जबड़े छील लो, हाँ खून अंदर हो गया तो उस तरह का फ्राई नहीं आएगा, बिल्कुल सॉफ्ट आएगा, जो एक छोटा बच्चा 5 साल से लेकर के 50-55 साल तक के भी पोगले खा सकते हैं आराम से, है ना भाई। अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना यार, बस ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता भाई साहब, आप समझदार है अच्छी तरीके से जानते हैं, कर दो यार आज कर दो, बस जो सूफी कह रहा सूफी की बात मान लो, और आप मुझे बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए, किस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा को आप फॉलो कर लें, फॉलो करें वहां पे डीएम करें यार, वहां पे डीएम कर दें बस के भाई इस तरह की वीडियो लेकर क्या, और ये हमारी डिमांड है ऑब्वियसली हम उसको पूरी करेंगे, तो भाई आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है यार, सीरियसली मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप सपोर्ट करते हैं ये हमें पता भी है, तो भाई मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, जब तक के टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।